हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने एक सीरीज चला रखी है PSPCL की, जिसके रिगार्डिंग आपका ये पूरा का पूरा कोर्स कराया जा रहा है। तो आपको पता ही है कि हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा कोर्स कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आज PSPCL का मॉक नंबर 5 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि मैं रीजनिंग आपको डिस्कस यहाँ पे करवा रहा हूँ। चलिए, तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे जरा रीजनिंग डिस्कस करते हैं कि रीजनिंग में आपके पास क्या गिवन है। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन आपके जैसे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन किया गया है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ध्यान दीजिए। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ आपके पास ये रखा गया है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हर रोज ही आप लोग देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो एनालॉजी से आता है। मैं यहाँ पे बात करूँ, आज फिर से आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन एनालॉजी का ही रखा गया है। देखो क्या दिया गया है, सोरो मीन्स डेथ, ठीक है, और हैप्पीनेस। अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि क्या हो क्या रहा है। देखो, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो जनरली जब भी डेथ होती है तो आप लोग दुखी होते हैं। जनरली जब भी आप लोग, आप किसी की डेथ हो तो हम लोग क्या दुखी हो जाते हैं। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ तो सोरो जो है रिलेट कर रहा है आपके पास डेथ के साथ। ये मैं बोल लूँ कि जब भी किसी की डेथ होती है तो हम लोग दुखी होते हैं। तो हैप्पीनेस की अगर मैं बात करूँ तो हैप्पीनेस आप लोग कब होते हैं यहाँ पे, जब भी किसी का बर्थ होगा तो आप लोग क्या होंगे, खुश होंगे। तो दूसरे तरीके से अगर इस चीज़ को देखा जाए तो जो फर्स्ट वर्ड है सोरो, वो हैप्पीनेस का क्या है, उल्टा है। अगर सोरो की मैं बात करूँ, सोरो जो है हैप्पीनेस का उल्टा है। सिमिलरली अगर दूसरे लॉजिक की हम बात कर रहे हैं तो डेथ का अपोजिट क्या होगा आपके पास, बर्थ। दोनों ही तरीकों से इसका आंसर क्या जाएगा, बर्थ। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपके पास कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन रखा गया है। इसमें मैं बात करूं आपके पास हुआ क्या है, ध्यान दीजिए जरा। बिल्कुल बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सीरीज आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सीरीज नेक्स्ट टर्म आपको देखना होता है, तो नेक्स्ट टर्म में अगर मैं बात करूँ, देखो क्या है आपके पास सीरीज में गिवन किया गया है, बी ई ए एंड पी, है ना। तो यहाँ पे इसका कोड क्या लिखा गया है, ए सी जेड एन, और इसी के इंटरमीडिएट आपको कौन निकालना है इसका, एल आई वी ई, ठीक है। जब मैं बात करूं बी से, जैसे ही आप लोग ए के ऊपर आए तो क्या हुआ है, माइनस ऑफ वन। ई से सी के ऊपर आए हैं तो क्या हुआ है, माइनस ऑफ टू। और ए से अगर जेड के ऊपर आए हैं तो क्या हुआ है, माइनस ऑफ वन। और पी से आप लोग एन के ऊपर आए हैं तो क्या हुआ, माइनस ऑफ टू। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास यही लॉजिक था, माइनस वन अगर आप लोग करेंगे तो माइनस वन करने से एल की वैल्यू होती है 12, एक माइनस करने से आएगा आपके पास 11, दैट मीन्स के, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, आई में से 2 माइनस करने थे, माइनस ऑफ 2 करेंगे तो आप लोगों के पास आई की वैल्यू होती है 9, यहाँ पे आएगा 7, मतलब जी, ठीक है। अब फिर से माइनस 1 करेंगे, ठीक है, तो आएगा यू। फिर से माइनस 2 करोगे तो आपके पास आएगा सी। हाँ जी, ऑप्शन देखें आपके पास कौन सी ऑप्शन बनी है, के जी यू सी, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का यहाँ पे आंसर बन रहा है, ठीक है जी। चलिए, तो सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या लिख रखा है, 9 आपके पास 729, 9729। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 9 का जो क्यूब दिया गया है, जो 9 का जो क्यूब है यहाँ पे अब आपके पास लिखा गया है, तो सिमिलरली 13 का ये जो होता है वो है 9 का क्यूब, है ना, ये जो है 9 का क्यूब। तो सिमिलरली 13 से जैसे ही आप लोग इसका क्यूब निकालेंगे, ठीक है जी, जैसे ही 13 का क्यूब अगर आप लोग निकाल लोगे तो आएगा 2197, तो आंसर इज सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ओड मैन यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे ओड वर्ड आपको यहाँ पे निकालना है कि फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड ओड जो है यहाँ पे कैसे निकल रहा है। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ, ध्यान दीजिए, आपके पास बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मैं बात करूँ, देखो बी वाई ई एंड बी, सिमिलरली आपके पास आगे कुछ लिखा है सी एक्स डी एंड डब्ल्यू। तो अगर इन दोनों का अगर मैं बात करूं वी और वाई के बीच में, ठीक है, ध्यान दीजिए कि वाई का अपोजिट लेटर जो होता है वो होता है वी, दैट मीन्स यहाँ पे अपोजिट, अपोजिट लेटर है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट लेटर रखे गए,
यहाँ पर भी अपोजिट लेटर रखे गए हैं, दोनों के बीच में भी क्या है अपोजिट लेटर रखे गए हैं, ठीक है। क्योंकि सी के अपोजिट जो आएगा अल्फाबेट मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दूँ तो आपके पास एक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट में देखते हैं आपके पास यहाँ पे सी में चेक करेंगे एफ यू के पी, तो इसके अपोजिट फिर से यू आता है और के अपोजिट फिर से क्या आता है आपके पास पी आता है। बट अगर मैं जी और एच की बात करूं, एस और टी की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे हमें देखना है कि क्या ये लेटर एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। ध्यान दीजिए कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, देखो जी के अपोजिट कभी भी अगर आप एच करोगे तो अपोजिट में एच नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या पाया कि सभी का अपोजिट सम 27 के बराबर, 27 के बराबर, 27 के बराबर बन रहा था। तो जब भी जी की और एच की अगर मैं बात करूँ तो ये अपोजिट नहीं आएंगे और ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं आएंगे। अगर यहाँ पे अपोजिट की बात करूँ तो ये कुछ इस तरीके से अपोजिट आने चाहिए थे, ठीक है, ये एक दूसरे के इस तरीके से अपोजिट। तो होप्स आप सभी को क्लियर हुआ होगा कि बाकी सभी में फर्स्ट सेकंड एक दूसरे के अपोजिट थे, दूसरे में फर्स्ट सेकंड एक दूसरे के अपोजिट, तीसरे में भी, और फोर्थ ऑप्शन की मैं बात करूं तो वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं था। तो आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है जी। होप्स सभी को क्लियर हुआ हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या लॉजिक लिखा गया है, आपके पास एक सीरीज है 2, 4, 6 के आगे आया है 14। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगाया वो लगाया गया है वो कैसे लगाया गया है वो आपको इसे यहाँ पे समझना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 2 × 4, ठीक है, और प्लस ऑफ 6 आपके पास यहाँ पे रखा गया है, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे, 4 × 2 = 8 + 6 = 14, मतलब फर्स्ट इक्वेशन तो बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। सेकंड में अगर मैं बात करूं, हमें यहां पे निकालना भी यही था कि इनमें से कौन सा ओड जो है पेयर है, ठीक है, निकालना भी यही था, तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं तो 3 × 5 + 7 है ना, 15 + 7 = 22, मतलब ये भी सही है, ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं 4 × 6 + 8 है ना, अगर यहाँ पे अगर मैं चीज को ऐड करूँ 6 × 4 = 24 + 8, तो देखो ये यहीं से मेरे को समझ में आएगा कि इसका रिजल्ट कभी भी 16 नहीं बनना है। तो आंसर इज आपके पास सीधा ही सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए पता चल गया होगा अभी आप लोगों को ये कैसे किया गया है, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड मैन निकालना था तो वो हमने यहाँ से निकाल लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, बड़ा सिंपल और बड़ा अच्छा क्वेश्चन रखा गया है जिसमें एक वर्ड यूज किया गया है टुगेदर, TOGETHER, ठीक है जी। इसका कोड कुछ उसने ये लिखा है, अगर मैं बात करूं कोड में देखो आपके पास क्या लिखा है, OTHFURERH है ना, तो उसने यहाँ पे कोड रखा गया है और हमें निकालने के लिए किसका बोला गया है, सिमिलर एक और वर्ड यहाँ पे रखा गया है जिसका कोड ये है, हमें जो निकालने के लिए बोला गया है, हमें निकालने के लिए किसका बोला गया है, रिक्वायर्ड का, REQUIRED, है ना, इसका कोड हमें यहाँ पे निकालना है। अगर मैं बात करूँ हमें यहाँ पे इस चीज का कोड निकालना है, ध्यान दीजिए कि ऊपर से नीचे कैसे लिखा गया पहले वो हम देखते हैं। तो O से T यहाँ पे इन दोनों को रिवर्स में लिखा गया है, ठीक है। आगे बात करूँ आपके पास, ध्यान देंगे कि ये लास्ट के 3 को रिवर्स में रखा गया है, H R एंड E, है ना। बाकियों में क्या हुआ कि G के बाद प्लस ऑफ 1 किया गया, E के बाद प्लस ऑफ 1 किया गया और T के बाद प्लस ऑफ 1 किया गया। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही होना था, आपके पास E और R को रिवर्स में रखा और यहाँ पे D और यहाँ पे E और यहाँ पे R लास्ट 3 को और बाकी सभी में प्लस 1, Q था तो Q में अगर हम 1 ऐड करते तो क्या आता, Q की वैल्यू 17 + 1 = 18, U था U में 1 ऐड करते क्या आता, V आता, I था I में 1 ऐड करते आपके पास क्या आ जाता, J, ठीक है जी।
तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपके पास ये पूरा का पूरा एक वर्ड आपके पास यहाँ पे बना है। चलिए देखते हैं, तो ये कौन से ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे फिट बैठ रहा है। अगर मैं बात करूँ बी ऑप्शन, ई डबल आर, देखो ई डबल आर वी जे डी ई आर, सो आंसर इज बी ऑप्शन आपका जो है इस बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे आंसर बैठेगा। होप सो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपके पास कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 2 × 3 − 4 / अब आपको यहाँ पे एक सिंबल चूज करना है जो इंटरचेंज करके, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके पास जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो रैंडम आप लोग पिक करें। मैंने आपको बताया था थर्ड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन से पिक किया करें आप लोग। 2 × 3 − 4 / 2 + 5, ठीक है जी, प्लस ऑफ 5 आपके पास यहां पर क्या हुआ, प्लस ऑफ 5 = 3। तो मैं अगर ए ऑप्शन पुट करूं, मतलब मल्टीप्लाई की जगह माइनस और माइनस की जगह मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन पुट कर रहा हूं जी 2, और यहां पे मल्टीप्लाई में फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा गया है, देखो ये फर्स्ट ऑप्शन है, इसको पुट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई जहां था वहां पे आ जाएगा माइनस, है ना, वहां पे आएगा -3, और जहां पे था माइनस वहां पे आएगा मल्टीप्लाई 4 / 2 + 5, और इज इक्वल टू 3 के बराबर बनाना था। तो सबसे पहले बोर्ड मास आप लोग यहाँ पे लगाते हैं जो कि ऑलरेडी हमने वो आपको बता रखा है। तो सभी जब भी यहाँ पे डिवाइड करेंगे सबसे पहले तो क्या आएगा 2। अब 2 को इससे 3 से मल्टीप्लाई करना था तो आपके पास आ जाता है 6 − 2 + 5 = 3। तो देखो अब आप 5 + 2 को अगर ऐड भी कर लेंगे तो कितना आएगा, 11 − 6 = 3, जो कभी भी 3 के इक्वल नहीं बनेगा। तो दैट मीन्स ए ऑप्शन तो कभी आंसर नहीं होगा। अब मेरे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा सेकंड ऑप्शन। अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करता हूँ, सेकंड ऑप्शन में एक बार आपको करके दिखा देता हूँ कि सेकंड ऑप्शन में क्या आंसर यहाँ पे बनेगा जी। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। हाँ जी, तो सेकंड ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से देखते हैं। सेकंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, 2 − (+) और प्लस की जगह माइनस, तो मल्टीप्लाई 3 − (+) 4, डिवाइड में कोई चेंजेस नहीं होगा और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा 5 = 3। तो सबसे पहले बोर्ड मास पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फिर से 2 आएगा, ठीक है जी। बोर्ड मास अप्लाई किया, अब फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का यहाँ पे फैक्टर गिवन था तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 − 5 = 3, 6 + 2 = 8, 8 − 5 = 3, सो 3 = 3। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसके बिल्कुल सही आंसर बैठ रहा है। होप सो आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट, जरा जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट में आपके पास क्या गिवन किया गया है। अगर नेक्स्ट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट में आपके पास क्या है, एक सीरीज एक गिवन करी गई है ना। सीरीज में आपको ये बताया गया है 5 @ 2, ठीक है जी। यहाँ पे 5 @ 2 $6 = 15 आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो जनरली मैंने आपको बताया भी यहाँ पे मीनिंग यहाँ पे निकालने होते, अगर मीनिंग आप लोग यहाँ पे निकाल पाएंगे तो यहाँ पे आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो हिट एंड ट्रायल होता है इन क्वेश्चन में। अगर एट द रेट की जगह मैं यहाँ पे डिवाइड पुट कर दूँ और डॉलर की जगह पे मल्टीप्लाई पुट कर दूँ तो मेरे को लगता है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। चलिए देखते हैं एक बार पुट करके जरा। हाँ जी, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। हाँ जी ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 5 @ की जगह डिवाइड बाई 2 और आपके पास डॉलर की जगह मल्टीप्लाई बाई 6 = 15, यहाँ पे 15 प्रूव करना है। तो 2 लिखा है डिवाइड, तो मैं इसे 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर 2 की मैं बात करूँ, ठीक है, देखिए जी यहाँ पे ये लिखने का ही तरीका होता है कि आप इसे जैसे मर्जी यहाँ पे लिख सकते हैं। जब भी नहीं तो आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2.5 × 6 = 15। तो जब भी इस चीज को मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो रिजल्ट रहेगा 15 = 15, दैट इज योर आंसर, है ना। तो जो कि आपका एक आंसर बन जाएगा, मतलब मेरे मैंने यहाँ पे सुलझा लिया कि यहाँ पे जो लॉजिक लगा है वो कुछ ये लगा है कि एट द रेट की जगह डिवाइड लगेगा और डॉलर की जगह मल्टीप्लाई लगेगा। तो मैं सिमिलर लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करता हूँ कि 15 डॉलर की जगह क्या था, मल्टीप्लाई 7, एट द रेट की जगह क्या था, डिवाइड बाई 5, है ना।
तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिवाइड का, आपको पता ही है इस चीज को, कुछ आप ऐसे भी लिख सकते थे 15 मल्टीप्लाई 7/5, क्योंकि डिवाइड था इज इक्वल टू कर लेते 3 आ जाता, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता 21। सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका है, ठीक है। सो आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है जी। आप लोग जैसे मर्जी यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, आपके पास सेंटर का नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करने को यहाँ पे दिया गया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। अगर यहाँ पे मैं लॉजिक की बात करूँ, फर्स्ट में मैं लॉजिक की यहाँ पे देखता हूँ कि फर्स्ट में क्या लॉजिक लगा है। तो सबसे पहले मैं 16 से उठाता हूँ। 16 जो है वो कितने का स्केयर होता है आपके पास? 4 का, ठीक है। 81 की अगर मैं बात करूँ वो कितने का स्केयर होता है? 9 का। 1 की अगर मैं बात करूँ वो कितने का स्केयर होता है? 1 का। 25 की मैं बात करूँ वो कितने का स्केयर होता है? 5 का। इस पूरी की पूरी वैल्यू को सम करके देखें जरा, 4। आप इस पूरी की पूरी वैल्यू को सम करके देखते हैं जरा, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 4 = 19। सो 19 का जैसे ही स्केयर करोगे कितना आएगा? 361। मतलब मैंने ये सुलझा लिया कि फर्स्ट नंबर कैसे लिखा गया, तो डायरेक्टली मैं फोर्थ के ऊपर उस चीज को अप्लाई कर दूं। 25 जो है वो कितने का स्केयर है? 5 का, ठीक है जी। 81 जो है वो कितने का स्केयर है? 9 का। और 9 जो है वो कितने का है? 3 का। तो 1 जो है 1 का, ठीक है। 9 + 1 10, 10 + 5 15 + 3 18। अगर 18 का आप लोग स्केयर करते हैं तो यहाँ पे आएगा 324, जो कि एक बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ए ऑप्शन। होप सो सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। हाँ जी, यहाँ पे आपके पास सीरीज एक जो है मैट्रिक्स में गिवन है। तो मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ, मैट्रिक्स का आपको पता ही है कि मैट्रिक्स का लॉजिक यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। चलिए देखते हैं जो यहाँ पे लॉजिक लगाया गया है वो क्या है। 4 से 6 एंड 5, तो यहाँ पे जो लॉजिक लगा है 4 / 2, अगर करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा? 2। आगे जो 6 है, 6 / 2 करेंगे कितना आएगा? 3। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 5, जो कि आंसर बना है, ठीक है। तो सिमिलरली नीचे भी आपके पास यही लॉजिक यहाँ पे लगा था। लास्ट की मैं बात करूँ, 46 / 2, अगर इसे करेंगे 2 और 3 23। सिमिलरली 30 को अगर आप यहाँ पे / 2 करेंगे तो कितना आएगा? 15। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 38, है ना। तो सिमिलरली 16 को / 2 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 8, है ना। तो अब यहाँ पे मैं कितने ऐड करूँ ताकि ये 17 मेरे पास फॉर्म हो जाए? मतलब मेरे को यहाँ पे ऐड कितने कर, यहाँ पे नंबर जो चाहिए वो कौन सा चाहिए? 17 चाहिए। मतलब यहाँ पे 9 आना चाहिए। अगर 9 यहाँ पे आना चाहिए, इतना मेरे को पता है कि / 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किस नंबर को भरा जाए, ठीक है? मतलब 18 को यहाँ पे अगर भरा जाए तो डिवाइड करके क्या आएगा? 9, दैट मीन्स यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो मेरे को यही नंबर तो निकालना था, मेरे को यही नंबर निकालना था कि आपके, नहीं सॉरी, ये नंबर आपको निकालना था यहाँ पे कि आपके पास कौन सा नंबर भरा जाए। तो आंसर इज बी ऑप्शन, जो कि आपके पास यहाँ पे गिवन है। होप सो आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको काफी बारी करवा भी चुका हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे जनरली एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखें इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, देखें चलिए आपके पास बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है वो भी देख लेते हैं। बासु स्कोर 52 मार्क्स आउट ऑफ 100, मतलब 100 में से बासु के कितने मार्क्स आए हैं? 52। देन आगे क्या है, रमन स्कोर 7 मार्क्स मोर देन बासु, कि रमन के बासु से 5-7 नंबर ज्यादा है, 59। देन आगे क्या है, मोर मार्क्स देन बासु बट 9 मार्क्स लेस देन श्याम, बट श्याम से 9 मार्क्स कम है। अगर श्याम की मैं बात करूं तो इसके मार्क्स कितने बन जाएंगे? 68। देन आगे ध्यान से दीजिएगा, ये क्या है, योगेश स्कोर 5 मार्क्स लेस देन नारायण, कि योगेश की अगर मैं बात करूं वो नारायण से कितने मार्क्स कम लेता है? आपके पास 5, ठीक है, उसके 5 इन नारायण से कम है। बट आगे इस लाइन में क्या बोला गया है, एंड 6 मार्क्स मोर देन श्याम, बट योगेश के जो 6 नंबर हैं वो किससे ज्यादा हैं? नारायण से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे योगेश योगेश मेरे को मिल गया, योगेश के कितने नंबर ज्यादा थे? 6 नंबर, तो यहाँ पे 74। तो नारायण से
अगर मैं नारायण की बात करूं तो नारायण योगेश जो था नारायण से कितना नंबर कम था, 5 नंबर कम था, तो नारायण के नंबर 79 आ जाते हैं। बिल्कुल जी, आप लोगों ने एक सिस्टमेटिक ढंग से इस वैल्यू को अरेंज कर लिया। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, हु स्कोर हाईएस्ट मार्क इन द गिवन टेस्ट, तो हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं आपके पास, नारायण के। ठीक है, मेरे को लगता है नारायण इज द बी ऑप्शन, जो कि आपका बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर बनेगा। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बेटे आपको कुछ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही हो जो आपको क्लियर ना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। यहाँ पे हमारी एक प्रायोरिटी है कि आपके हर एक कमेंट का हम लोग जवाब करें, जैसे हम लोग करते भी हैं। चलिए तो जरा जल्दी से देखते हैं आपके पास क्या है। नेक्स्ट सीरीज में आपके पास के क्यू जेड एम एम एक्स, ठीक है जी, ओ आई वी क्यू ई टी, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे हमें लॉजिक यहाँ पे देखना पड़ता है कि लॉजिक क्या होगा, है ना। तो लॉजिक यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, लॉजिक में जनरली यहाँ 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 जैसे मर्जी देख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ के से एम के ऊपर आऊँ, तो यहाँ पे मैंने देखा कि के टू एम आपके पास प्लस ऑफ टू का लॉजिक लगा है। अगर एम से मैं ओ के ऊपर आऊँ, तो यहाँ पे प्लस ऑफ टू का लॉजिक लगा है, और यहाँ ओ से 17 के ऊपर आऊँ प्लस ऑफ टू, तो आगे भी आपके पास 17 प्लस ऑफ टू यहाँ पे लॉजिक होगा, दैट मीन्स एस अल्फाबेट यहाँ पे आएगा। चलिए आगे मैं देखता हूँ, क्यू से एम के ऊपर आप लोग गए हैं, तो क्या है, क्यू की वैल्यू 17 और एम की वैल्यू 13, तो माइनस ऑफ 4। अब यहाँ से फिर से एम की वैल्यू 13 और यहाँ पे आई है माइनस ऑफ 4। आगे फिर से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो माइनस ऑफ 4, तो ई से जब भी माइनस ऑफ 4 करेंगे, ठीक है, तो आपके पास आएगा ए। ठीक है, जेड से जैसे ही एक्स के ऊपर जाएंगे, अगर जेड से आप लोग एक्स के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस ऑफ टू। फर्दर फिर से आप लोग यहाँ से माइनस ऑफ टू करेंगे, तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर से आप लोग यहाँ पे फर्दर ऑफ माइनस ऑफ टू करेंगे, तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो टी से फिर से फर्दर ऑफ माइनस ऑफ टू आपको करना था, तो यहाँ पे अगर टी से माइनस करेंगे टू, तो आएगा आर, दैट इज एस ए आर, आपका एक ऑप्शन बन जाएगा, दैट इज डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन किया गया है वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसा कि ऐसा क्वेश्चन हम हर रोज आपके लिए लेके आते हैं, जिसमें एक एड्रेस गिवन किया जाता है, और एड्रेस में आपसे यहाँ पे ये पूछा जाता है कि कौन सा एड्रेस जो है गलत लिखा गया है, मिसस्पेल्ड यहाँ पे किया गया है। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास ये एड्रेस लिखा गया है, डॉक्टर जावेद खान CMO आधार हॉस्पिटल 1236 रविवार पीठ, ठीक है, पुणे सिटी महाराष्ट्र। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे देखता हूँ कि क्या आपके पास सही लिखा गया है, डॉक्टर जावेद खान, बिल्कुल यहाँ पे स्पेलिंग सब कुछ सही है, CMO आधार हॉस्पिटल बिल्कुल सही है, स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ठीक है, 1236 बिल्कुल जी आपके पास। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फर्स्ट में, रविवार, रविवार की बिल्कुल जी पीठ, बिल्कुल जी पीठ की स्पेलिंग PEETH, और यहाँ पे PETH है, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, डबल ई है, डबल ई और यहाँ पे ई है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया, ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई। सेकंड देखते हैं, डॉक्टर जावेद, डॉक्टर जावेद बिल्कुल सही है, खान बिल्कुल सही है आपके पास, ठीक है। अगर CMO अधेर हॉस्पिटल बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, 1236 रविवार पीक स्पेलिंग बिल्कुल सही है, पुणे सिटी बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, 411002 बिल्कुल सही है, तो ये एक बिल्कुल सही यहाँ पे आपके पास आंसर बनेगा, दैट इज बी ऑप्शन। बाकी हमें अब चेक करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, तो चेक ही नहीं करने पड़ेंगे तो आगे हम जाएंगे भी नहीं। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ओपन डाइज अब आपके पास लाया गया है, अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में देखा देता हूँ मैं, क्वेश्चन में क्या है आपके पास बोला गया है, फ्रॉम द, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता ही है अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, क्योंकि इसमें अगर आपने गलत इंटरप्रेट कर लिया, आप कभी नहीं आंसर कर पाएंगे। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच आंसर फिगर कैन नॉट बी फॉर्म्ड, मतलब इसका ये हुआ कि आपके पास ये चार ऑप्शन है, चार में से तीन ऑप्शन बन जाएंगे, इस बात का मतलब है कि चार में से तीन ऑप्शन बन जाएंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आंसर नहीं बनेगा। तो जब भी आपके पास एक ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट आता है, हमने आपको बताया कि इसके अपोजिट फेसेस निकालने, तो अपोजिट फेसेस निकालने का तरीका होता है जो आउटर साइड होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इस बात का मतलब है कि 1 के अपोजिट क्या रहेगा 6, और 3 के अपोजिट क्या रहेगा 5, 3 के अपोजिट रहेगा 5, तो सिमिलरली यहाँ 2 के अपोजिट क्या रहेगा 4, है
है ना, दो के अपोजिट क्या रहेगा, चार। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं बन सकता। अगर एक के अपोजिट छह, अगर यहाँ टॉप पे एक है तो बॉटम में, सॉरी टॉप पे छह है तो बॉटम में एक आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर इस तरफ थ्री है तो थ्री के अपोजिट फाइव, यहाँ पे थ्री है यहाँ पे फाइव रखा जा सकता है। अगर यहाँ पे टू है तो टू के अपोजिट फोर, बिल्कुल जी यहाँ पे रखा जा सकता है। मतलब ये आंसर तो बन सकता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें बताना है कौन सा नहीं होगा। सिमिलरली फोर के अपोजिट टू रखा जा सकता है, बिल्कुल जी। और वन के अपोजिट सिक्स, यहाँ पे वन है, वन के अपोजिट यहाँ सिक्स नहीं रखा जा सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यही आपका आंसर होगा। तो आंसर इज बी ऑप्शन। होप्स आप सभी को ये बात क्लियर हुई हो। बाकी ऑप्शन एक बार हम फिल करके आपको दिखा देता हूँ। वन के अपोजिट सिक्स है, थ्री के अपोजिट फाइव है, थ्री के अपोजिट फाइव है और टू के अपोजिट फोर है, बिल्कुल रखा जा सकता है। फाइव सिक्स के अपोजिट वन है, टू के अपोजिट फोर है और फाइव के अपोजिट थ्री है, बिल्कुल ये सारे हो जाएंगे। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास लॉजिज्म का क्वेश्चन रखा गया है। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ, ये बड़ा ही सिंपल और बड़े ही अच्छे क्वेश्चन के आते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग आज पेपर भी आ चुका है, पेपर के रिव्यूज़ में आपको बताना चाहूँगा, कट ऑफ जो था एक अमूमन जो हम लोगों ने यहाँ पे एक सर्वे कराया उसमें ये पाया है कि अच्छा पेपर था। पेपर एक इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आज का देखा गया है, जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी। दूसरे के भी हम बता नहीं सकते क्योंकि आया नहीं है रिजल्ट। फर्स्ट शिफ्ट जो ईजी टू मॉडरेट आया है, जिसमें बच्चों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है, ठीक है जी। PSPCL में मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए जरा देखते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, ऑल क्लोथ आर वॉचेस, ऑल क्लोथ आर वॉचेस एंड ऑल रिंग आर वॉचेस, ठीक है। सारी के सारी रिंग भी क्या है, वॉचेस हैं, ठीक है। अब आगे क्या पूछा गया है आपसे, ऑल वॉचेस आर क्लोथ, सारी की सारी वॉचेस क्लोथ है, नहीं जी बिल्कुल ऐसा तो कुछ नहीं है। सेकेंड क्या है, ऑल वॉचेस आर रिंग, ऑल वॉचेस आर रिंग, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं। थर्ड क्या है, सम रिंग आर क्लोथ, रिंग और क्लोथ के बीच में तो कोरिलेशन ही नहीं है, तो ये भी गलत। जब तीनों के तीनों गलत, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे आइदर केस जरूर हो सकता था, पर यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी नोट का नहीं था, तो इस वजह से मैंने डायरेक्टली यहाँ पे आंसर टिक कर पाया, नन फॉलोज। होप्स आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा गया है, हाँ जी, 16 टू 18 क्वेश्चन इकट्ठा है आपके पास। यहाँ पे सेवन पोल की बात करी गई है। ए बी सी डी ई जी आर पुट इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस बिटवीन द नेक्स्ट टू इज डिक्रीजेस बाय 1 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पोल टू ए एंड बी इज 10 मीटर। आपके पास यहाँ पे ये बताया गया है। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ, कुछ इस तरीके से आप लोग समझें, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। अब आपके पास यहाँ पे आपके बताया गया है कि ए और बी के बीच यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्टेंस है, वो है 10 मीटर। दैट मीन्स यहाँ पे अगर जो डिस्टेंस था वो था 10 मीटर, आगे उसने कहा है डिक्रीज हुआ है, दैट इज 9, दैट इज 8, दैट इज 7, हियर इट इज 6 एंड हियर इट इज 5। डिक्रीज इज बाई वन की उसने यहाँ पे बात करी थी, है ना। तो हमने डिक्रीज भी कर लिया वन 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 करके। अब उसने आखिर हमसे पूछा क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ए टू जी, कि ए से लेके जी तक का डिस्टेंस, मतलब ए टू जी की अगर मैं बात करूं, है ना, ए टू जी की मैं बात करूं, तो मेरे को सम कर देना था, 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5, है ना, यहाँ तक का मेरे को डिस्टेंस सारा का सारा सम करके बताना था कि सम कितना रहेगा। तो अगर पूरे के पूरे वैल्यू को मैं सम करके देखूंगा तो मेरे पास रिजल्ट रहेगा 45 मीटर, बिल्कुल जी, जो कि आंसर है बी ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन का आंसर आपको आपको मिल गया, 16 का आंसर रहेगा बी ऑप्शन। चलिए 17 भी बढ़ते हैं। इफ ए मंकी होप्स फ्रॉम जी टू सी, मतलब यहाँ जी से सी की बात अगर उसने करी गई है, देन हाउ मच कवर अ डिस्टेंस, कि उसने सी टू जी तक अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 17 यहां पे देख लेते हैं। सी टू जी की बात करी गई है, सी की अगर मैं बात करूं, सी से जी तक जाना है, सबसे पहले 8 + 7 + 6 + 5, है ना, यहाँ पे आप लोग आए हैं। तो अगर मैं बात करूं, देखो, तो इन पूरे के पूरे वैल्यू को सम करके अगर आप लोग देखेंगे तो आपका आंसर जो बनेगा, दैट इज 26 मीटर। सम करना ऑप्शन सभी को आता है, ये मैं आपको नहीं सिखा रहा। चलिए नेक्स्ट भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है। हाँ जी, नेक्स्ट बीसी के ऊपर बेस्ड है। इफ द अथॉरिटीज डिसाइडेड टू रिमूव वन पोल एंड प्लेस द रिमेनिंग वन ऑन द इक्वल डिस्टेंस अमंग द पोल्स, देन ईच सेट ऑफ द पोल वुड बी, मतलब आप लोग एक पोल निकाल दोगे तो उसके बीच में आपको कितना यहाँ पे वैल्यू जो है कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिए कि अगर मैं टोटल वैल्यू की बात करूं, है ना, मैं टोटल वैल्यू की बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7,
आपके पास सेवन यहाँ पे पोल थे, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे सेवन पोल यहाँ पे बचे हैं। अगर होल की बात करूँ तो होल क्या है, सिक्स होल बचे हैं। जब आप एक पोल निकाल दोगे, जब आप एक पोल निकाल दोगे तो आपके पास कितने बच जाएंगे, छह पोल बच जाएंगे, और होल कितने बच जाएंगे, फाइव। होल कितने बच जाएंगे, फाइव। ध्यान दीजिए, उसने डिस्टेंस कम नहीं किया, उसने डिस्टेंस कम नहीं किया। अगर डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस अभी भी टोटल कितना है, 45। पर होल अगर बात करूं तो होल कितने हो गए, फाइव। तो ये सिंपल सी बात है, अगर होल फाइव थे तो वही आपके पास यहाँ पे उसने पूछ रखा था, ठीक है। तो डायरेक्टली से यहाँ पे काट देते तो आपके पास कितना आ जाता, 9 5 जा 45। सो आंसर इज सी ऑप्शन। डायरेक्टली उसने यहाँ पे बड़े सिंपल सी बात पूछी थी जो मैंने होल के थ्रू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, है ना। चलिए, होप सो ये बात आपको क्लियर हुई हो। अगर कुछ भी ऐसा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 19 देखते हैं। 19 में क्या बोला है, यू गो टू नॉर्थ, दैट मींस आप एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर खड़े थे, आपने नॉर्थ की तरफ गए, देन आगे क्या, देन टर्न राइट, यहाँ से राइट लिया आप लोगों ने, देन अगेन टर्न राइट, यहाँ से फिर से आपने राइट लिया, एंड देन गो टू द लेफ्ट, अब यहाँ से आपने लेफ्ट लिया, और इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ। अब आप लोग उसमें से पूछा गया कि अभी आप लोग यहाँ से कौन सी डायरेक्शन में हैं। तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्शन की बात करूँ तो इस तरफ, जब जनरली आपके पास आप सारे के सारे जानते हैं कि इस तरफ जो है वो कौन से डायरेक्शन आती है, इस तरफ जो है आपके पास ईस्ट डायरेक्शन आती है, ठीक है जी। ईस्ट यहाँ पे आंसर आएगा, तो आंसर इज सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको काफी बारी करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, मैंने आपको कई बारी कहा कि इस टाइप का क्वेश्चन है, इसे काउंटिंग करें। सबसे पहले स्पेस ओ पी डैश एम ओ डैश एन डैश डैश पी एन एम ओ पी एन डैश। मैंने आपको एक बात बताई, इसे काउंटिंग करें, इसे काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16। अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू आई है ना, 16 वैल्यू आई है। तो मैंने आपको कहा है कि इसे पेयर में काटा करिए, 4 × 4, और दूसरा पेयर इसका बनेगा 8 × 2, है ना, 2 × 8 है, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो जनरली हम लोग इसको पहले प्रेफर करेंगे 4 × 4, 1 2 3 4, पहला पेयर यहाँ तक बना, 1 2 3 4, दूसरा पेयर यहाँ तक बनेगा, तीसरा 1 2 3 एंड 4, तीसरा पेयर यहाँ तक बनेगा, चौथा 1 2 3 एंड 4। अब मैंने यहाँ पे देखा ओ पी है, ओ है, एन है, पी है, एन है, देखो लास्ट एन है, एन है, यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एम है, दैट मीन्स यहाँ स्टार्टिंग में भी क्या रहा होगा, एम रहा होगा, एम, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एम, और लास्ट में यहाँ पे भी एम है, देन ओ है, देन ओ है, देन यहाँ पे भी क्या आएगा, ओ आएगा, और यहाँ पे भी क्या है, ओ है, देन पी है, देन पी आएगा, देन पी है, देन पी है, और लास्ट में यहाँ पे एन है, तो एन 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 एंड एन यहाँ पे रहेगा। तो फर्स्ट में मेरे पास सबसे पहले क्या आया, एम, फिर क्या आया एन, फिर क्या आया पी, फिर क्या आया एम, फिर क्या आया ओ, फिर क्या आया एन, ठीक है जी। आपके पास यहाँ पे ये रहेगा। अगर इस क्वेश्चन के मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आंसर कौन सा। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, एम एन, बिल्कुल जी, आप लोग देखो एम एन है, पी है, बिल्कुल है, एम है, बिल्कुल है, ओ है, एन है, तो आंसर यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। आंसर जो है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही यहाँ पे बन रहा है। सो आंसर इज ए ऑप्शन। होप सो सभी को क्लियर हुआ होगा। हाँ जी, चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास कैलेंडर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही बड़ा सिंपल सा लग रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। अगर यहाँ पे पूछा गया है इफ टुडे इज सैटरडे देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी 999 डे ऑफ द फ्रॉम द डे, मतलब आज अगर आपके पास सैटरडे है तो आज से इतने दिन बाद, 999 डे बाद आपके पास कौन सा दिन आएगा, आज को दिन को मिला के। तो इसे आपको जब भी यहाँ पे पूरा का पूरा पता है कि पूरा के पूरे कैलेंडर का कॉन्सेप्ट और डे के ऊपर आता है, 7 से इसे डिवाइड करेंगे। जब भी इस टर्म को 7 से डिवाइड करोगे तो 142 के ऊपर ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 1 आपके पास यहाँ पे बचेगा 994, है ना, रिमाइंडर आपके पास बचेगा 5, जो कि आपके पास यहाँ पे ओड डे कहलाएगा, ठीक है जी, ओड डे। मैंने आपको ये पूरा का पूरा करके बताया, आप लोग इसे इतना तो मैं समझता हूँ कि डिवाइड करना आपको आता, मैंने सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख दी है। तो आज से सैटरडे से 5 दिन आगे जाना था, सैटरडे पहला दिन था, सैटरडे से 5 दिन आगे, सैटरडे के बाद क्या आएगा, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे,
ठीक है, देन आगे थर्सडे और लास्ट में 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 एंड 5। देखो 5 दिन सैटरडे से आगे जाना था, तो यहाँ पे जो दिन आपके पास आएगा वो कौन सा आएगा, वो दिन आपके पास आएगा यहाँ पर थर्सडे, जो दिन यहाँ पे आएगा वो आएगा थर्सडे, तो आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, होप सो आप सभी को यह बात क्लियर हुई होगी, क्योंकि हमने कैलेंडर आपको क्लासेस में पढ़ा रखा है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो यूट्यूब पे ऊपर जाके उसको लिंक मिल जाएगा, वहां पे डिटेल में हमने इस चीज को डिस्क्राइब किया है। चलिए एक और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द डायग्राम इन द बेस्ट रिलेशनशिप अमंग द गिवन क्लासेस, है ना। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो आपके पास क्या, फ्लावर क्लोथ एंड वाइट। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ कौन सा डायग्राम इसका बेस्ट सुटेबल रहेगा, तो अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा गया है फ्लावर, तो कुछ फ्लावर क्या हैं आपके पास, वाइट होते हैं, और कुछ वाइट क्या हैं आपके पास, क्लोथ होते हैं। देखो कुछ वाइट फ्लावर होते हैं, और या कुछ ऐसा बोला जा सकता है, कुछ फ्लावर क्या होते हैं, वाइट होते हैं, और कुछ क्लोथ क्या होते हैं, वाइट होते हैं, बाकी पूरे तो हो नहीं सकते। तो आंसर इज ए ऑप्शन, जो कि आपका बिल्कुल सही यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपके पास क्या बोला गया है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23 में आपके पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ये रखा गया है। इस क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ, ठीक है, ये इससे अच्छा क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमेन से, तो स्पीकर मेरे को मिल गया, स्पीकर कौन है, वुमेन, स्पीकर मेरे को मिल गई है, स्पीकर कौन है, वुमेन, वुमेन क्या बोलती है, ही इज द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ। ठीक है, कि अगर मैं बात करूं मेरी डॉटर का फादर इन लॉ, बोला गया ही इज द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, मतलब अगर मेरा बेटी है ना, उसका कोई ना कोई आगे फर्दर हस्बैंड भी होगा, तभी उसका इन लॉज बनेगा, है ना। तो उसका हस्बैंड, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन लॉज, इसकी बेटी का इन लॉज की बात होती है, तो यहाँ पे ये इसका इन लॉज आ गया। ठीक है, अगर इन लॉज यहाँ पे आ गया, तो उसने बोला क्या था, ही इज द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, कि बेटी का, अगर आपके पास बेटी का इन लॉज आ गया, ठीक है, बेटी का इन लॉज आ गया, तो आगे इसका भी इन लॉज बनाना था, आगे इसका इन लॉज बनाना था, किसका, इस मैन, इस वुमेन का, तो बोला क्या गया था, मैन का, तो ये कौन रहेगा, मैन रहेगा, है ना। अब इस क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से आपके पास रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगता है। पॉइंटिंग टू अ मैन, ठीक है, इस मैन की तरफ पॉइंट करते हुए फोटोग्राफ वुमेन सेज, ये इस वुमेन ने क्या कहा, ही इज द फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, है ना। इस बात का मतलब क्या था, कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो मेरी बेटी के भी आपके पास, मेरी बेटी के भी आगे फर्दर हस्बैंड के, उसके क्या हैं, मेरे पापा जो हैं वो क्या, मेरे फादर इन लॉ के हैं, ग्रैंडफादर हैं। ठीक है जी, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये डायग्राम आपने बना लिया, इससे आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस क्वेश्चन में पूछा गया था, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन, अब ये जो मैन है, ये जो मैन आया है वो वुमेन का क्या लगता है, ये जो मैन है, ये जो मैन है वो इस वुमेन का क्या लगता है। ठीक है, तो इस मैन की अगर बात करी जाए इस वुमेन से, ठीक है, तो ये क्या लगेगा, इसका फादर इन लॉ, सो आंसर इज डी ऑप्शन। ठीक है, अगर किसी को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इस क्वेश्चन को पढ़ के देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस इसे पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर आप इसे पढ़ के देखेंगे तो आपके पास ये बिल्कुल ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने डायग्राम आपको बना दिया है। चलिए चला नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिया गया है डायरेक्शन से। डायरेक्शन में इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लक्ष्मी बेन 15 किलोमीटर टूवर्ड द वेस्ट, मान लीजिए लक्ष्मी यहाँ कहीं पे खड़ी थी और वेस्ट की तरफ गई है 15 किलोमीटर, है ना, फ्रॉम माई हाउस, मतलब उसने अपने घर से यहाँ से निकली है, देन आगे क्या बोला है, हाउस से, ठीक है, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20, अब जब यहाँ से वो लेफ्ट लेगी तो डाउनवर्ड, मतलब साउथ की तरफ, और कितना, 20 किलोमीटर, देन ही टर्न टू ईस्ट एंड वॉक 25, मतलब यहाँ से ईस्ट की तरफ 25 किलोमीटर, तो ईस्ट की तरफ 25 किलोमीटर,
है ना। देन आगे क्या बोला गया है, देन फाइनली टर्निंग टू लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर, जब भी लेफ्ट लेगी तो ऊपर की तरफ जाएगी, और कितना है 20 किलोमीटर। देन पूछा क्या है, हाउ फार वॉज ही फ्रॉम हिज हाउस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपसे पूछा गया है, हाउस से यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 25 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्वियस है ये डिस्टेंस रहेगा 10 किलोमीटर। सो आंसर इज बी ऑप्शन, आंसर इज बी ऑप्शन, जो कि आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ, आपके पास एक वर्ड गिवन किया गया है, वर्ड में आपके पास एक गिवन है नेसेसरी, और इसमें पूछा क्या गया है, हाउ मैनी सच पेयर, हाउ मैनी सच पेयर, मतलब ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एन ई सी ई डबल एस ए आर वाई, एक वर्ड है जिसमें आपको कोडिंग डालनी होती है 14 5 3 5 19 19 1 18 एंड 25, फिर काउंटिंग करनी होती है लेफ्ट टू राइट टू राइट टू लेफ्ट, ठीक है, काउंटिंग करते हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट टू राइट टू लेफ्ट। हाँ जी, देखते हैं 14 15 16 17 18 19, पहला पेयर तो यहाँ से जब मैंने लेफ्ट टू राइट काउंट करा तो एक बन गया, 20 आगे बड़ा वर्ड है ही नहीं तो काउंट ही ना करो, 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बनेगा, 3 4 5 6 7 इतना बड़ा है ही नहीं आगे छोड़ सकते हैं, 5 6 आगे बड़ा है नहीं छोड़ सकते हैं, 19 से बड़ा नहीं है, 19 से बड़ा नहीं है, 1 से बड़ा नहीं है, 18 से बड़ा, 25 से बड़ा, 25 से बड़ा तो बनना ही नहीं है, 18 से 19 20 बस उससे आगे है नहीं, 1 2 3 4 5 6 नहीं बना जी, 19 से आगे बड़ा है, 19 से आगे बड़ा है नहीं, 5 से आगे बड़ा, 6 7 है नहीं, 3 से आगे नहीं है, 5 से आगे नहीं है, तो 14 से आगे और बन नहीं, और भी कोई नहीं बनेगा, तो दैट मीन्स इस वर्ड में कितने नंबर ऑफ पेयर बने हैं आपके पास, 1। सो आंसर इज बी ऑप्शन। होप सो आप सभी को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, अगर कुछ भी आपका डाउट रहे तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, ताकि हम आपकी फिर से मदद कर पाएं। ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद। सो गुड इवनिंग एवरीवन, आज हम PSPCL का मॉक नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, तो देखते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 26, ये एक आइडेंटिटी है, हमने पहले भी की है, राइट ये एक आइडेंटिटी है तो हमने पहले भी की है, तो चलो इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो इसमें मैंने ए किसको मान लिया 7.5, प्लस मैंने बी किसको माना 2.5 को, तो कहीं ना कहीं ये कितना हो जाएगा जी 10.0 का होल स्क्वायर, यानी 100। तो चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जी, द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट, अब सबको पता है 7 की जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसिटी साइकिल होता है वो कितनी बार चलता है, 4 बार, जैसे कि 7 की पावर 1 दैट इज 7, 7 की पावर 2 दैट इज 49, 7 की पावर 3 दैट इज 343, एंड सिमिलरली 7 की पावर 4 दैट इज 204। अब से 4 बार चलता है, ठीक है, अब 7 की बार 5 से रिपीट होने लग जाएगी, यानी लास्ट में 7 आएगा और 1 का साइकिल तो वही हुआ, तो मैंने 153 को 4 से डिवाइड किया है, जहाँ से क्या रिमाइंडर है 1, 7 की पावर 1 और 1 का साइकिल तो 1 ही बार चलता है इंटू 1, तो 7 की पावर 1 इंटू 1, 7 की पावर 1 मीन 7 इंटू 1 इज 7, तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 7। चलिए जी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द टर्म, जब हम दोनों तरफ सेम ऐड करते हैं तो वर्टिकल गैप मस्ट बी सेम होना चाहिए, 7:11 और यहाँ पर है 3:4, दोनों का वर्टिकल गैप सेम होना चाहिए, और वर्टिकल गैप सिर्फ इस तरीके से ही सेम होता है, 7 और 11 का डिफरेंस यानी 4, 3 और 4 का डिफरेंस यानी 1, तो कितना आया जी 7:11 और यहाँ पर कितना आया जी 12:16, सो आप देख सकते हैं वर्टिकल गैप सेम हो चुका है और कितना हो चुका है 5, तो व्हाट मस्ट बी एडेड मीन्स। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास कहता था कॉइंस है,
राइट, अब मैं बोलूँगा कि जो अमाउंट होती है, अमाउंट होती है वो फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स के होती है, फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स, राइट। तो हमारे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ कॉइन्स हो तो अमाउंट क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सीधा लिख सकता हूँ कि देखो हाफ पैसा का मतलब, पहली बात तो ये रेशियो है, ठीक है। हाफ पैसा का मतलब होता है 5x डिवाइड बाय 1/2, सीधी सी बात है, प्लस 3x डिवाइड बाय 1/4 प्लस 1x डिवाइड बाय 1/10 दैट इज इक्वल टू 480। तो यहाँ से कितना है, 10x 12x प्लस 10x 480 32x 16 3 16 2, यानी x कितना आ गया 15। तो हम मल्टीप्लाई कर सकते थे 5x, सो नंबर ऑफ कॉइन 15 को 5 से किया, मेरा यहाँ पर 16 32x इज इक्वल टू 480। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 15 150 एंड 180, यस। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा 10x, यानी x कितना, x की वैल्यू 15 है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन। तो मैं यहाँ पर क्या मार्क कर दूंगा, सी ऑप्शन, बिकॉज 15 को 10x से किया 150, 150 कॉमा 12x को 15 से किया 180, और 10x को 15 से किया तो 150, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको स्प्लिट किया, 1 + 2 + 3 + 49, राइट, प्लस 50, ये अलग से मार कर लिया मैंने, फिर से नहीं, 49 + 48 + 47 3 + 2 + 1, राइट। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर मैंने सम ऑफ एन नंबर्स का फॉर्मूला लगा लिया, यानी दो बार आ रहा है एन, एन प्लस वन डिवाइड बाय टू, ठीक है जी। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस क्या कर दूंगा मैं 50, और ऑब्वियसली बात है ये इससे कट गया, तो n क्या है मेरा 49, 50 प्लस 50, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2450 यहाँ से आया, प्लस 50 यहाँ से आया, तो आंसर कितना आ गया 2500। चलिए जी नेक्स्ट, इसका सी ऑप्शन था। चलिए जी, द सम ऑफ द, ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, हमने कहता था सम ऑफ 9 + 16, इसमें हमने क्या किया, इस सीरीज में हमने एक तो 1 ऐड कर दिया, एक 4 ऐड कर दिया, 9 + 16 चले थे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 100, तो यहाँ तक जाते जाते मैंने ऐड क्या कर दिया, माइनस क्या करूँगा, 1 + 4, मैं फिर से माइनस करूँगा, ठीक है दीजिए। अब यहाँ पर मैंने स्क्वायर का एक आइडेंटिटी ली, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है दीजिए, ये मैं माइनस करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं n n प्लस 1 2n प्लस 1 सम ऑफ स्क्वायर्स का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, n क्या होगा मेरा 10 और यहाँ पर 11, यहाँ पर 21/6, ठीक है जी। 3 2s 3 5s 3 2s
सॉरी सॉरी, 2 3 2 5 सेवन आ गया, तो कितना आ गया 385, लेकिन माइनस 5 भी तो करना था, कितना है 380, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर आंसर था 2500। चलिए नेक्स्ट, कहता देर आर 3 ईयर्स अगो एवरेज 18, अगर 3 साल पहले एवरेज 18 है तो 3 साल पहले का जो टोटल है, जो टोटल है वो 36 होगा, राइट। तो टुडेज टोटल कितना होगा, टुडे टोटल कितना होगा, 42 हो गया, ठीक है। कहता नाउ द एवरेज बिकम इतना, अब आज की एवरेज इतनी है तो आज का टोटल कितना हो जाएगा, 66, 66 में से 42 का कितना आया 24। सिंपल क्वेश्चन था ये तो, बहुत ही ईजी लेवल, जीरो लेवल का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके कितना, देखिए स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 1 होता है और क्यूबॉइड के 6 होते हैं, तो ओवरऑल जो हमारे पास सरफेस एरिया थे 150/30 यानी 5, तो यहाँ से कितना आया 1 और यहाँ से कितना आया 4, ठीक है जी। तो मैं बोल सकता हूँ कि 5 हिस्से, 5 मॉडल्स के हिस्से जो 30 के बराबर, 1 हिस्सा 6 के बराबर, तो यहाँ पर आया 6 and 24, हाउ मेनी स्फीयर्स, ओनली 6। चलिए जी, इन ए पास्चर ग्रेजिंग फील्ड ऑन हॉन्ड, ओके देखिए जो काउ के होते हैं 2 हॉर्न्स होते हैं, ठीक है जी। काउ के कितने हॉर्न्स होते हैं, 2, एंड हॉर्नलेस के 0 हॉर्न्स। ओवरऑल जो मैंने लिखा है 400/1, तो 1.2 हॉर्न्स ओवरऑल हॉर्न्स, ठीक है जी। मैं एलिगेशन के वेस से कर रहा हूँ, दिस इज 1.2, और जब मैंने यहाँ पर माइनस किया तो 0.8, पॉइंट से पॉइंट कटा, 1.2 है दिए। 4 2s are 4 3s are, ठीक है जी। 6 5 part is equal to 120, 4 2s are 4 3s are, 1 part is equal to 24, कितना है दिए यहाँ पर 72 40, नंबर ऑफ शेप, नंबर ऑफ शेप जो है हमारे पास, एक मिनट की प्लीज, 1:2 आया, राइट। मैंने अभी यहाँ पर निकाला है 1:2.8, यस, पॉइंट से पॉइंट करा, 4 2s are 4 3s are, ठीक है जी। 5 हिस्से जो हैं वो 120 के बराबर हो गए, तो एक कहीं ना कहीं 24, ओके तो अगर आप इसको ऐसे, नहीं तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक मिनट रुकिए प्लीज, यहां से मैं इरेज करता हूँ, यहां से जब मैंने किया तो ये, अगर मैं बात करूँ 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 4 3s are 4 2s are 5 parts, नंबर ऑफ हॉर्न्स 120। आप इस क्वेश्चन को इस वे से भी कर सकते हैं, वी हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला आल्सो, लाइक अगर मैं बात करूं लेग्स, लेग्स माइनस ट्वाइस ऑफ हेड डिवाइड बाय 2, लेग्स कितनी है 400, ठीक है, माइनस 2 120 डिवाइड बाय 2, इससे करके देखते हैं एक बार, 400 240 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 160 डिवाइड बाय 2 80, अब 140, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके कहता था एवरेज ऑफ द नंबर इज इंक्रीज, ये तो ऑरल क्वेश्चन है, कहता हर एक नंबर की जो, इफ द 9 नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 5, तो एवरेज अगर हम इन द 9 नंबर इज एडेड टू दिस, देखो 9 नंबर्स को हम, द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 11, इफ ईच ऑफ द नंबर इज इंक्रीज बाय मल्टीप्लाई बाय 5, तो एवरेज भी उतनी होगी ना, तो 5 अगर मैं ऐड कर दूँ देन 5 इज एडेड टू द रिजल्टेंट, सो न्यू एवरेज इज 60,
क्लियर है, जितनी आप जितने नंबरों के एवरेज आप इन मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने ही एवरेज रहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट 36 करिए प्लीज। सम वाज, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि 8% जो है, 2 साल का है ना, 4% 1 साल का, 2 साल का, 8% किसके बराबर है दी? 112, व्हाट इज 1%? 112/8 किस पे कट रहा है दी? 4 के टेबल पे, पहले पूरे 1 पे ही जाते हैं, कितना आया दी यहाँ पर अपना? 3014 आ गया, तो 100% कितना आएगा दी? 1400। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देता प्रिंसिपल जो है प्लस उसमें, नहीं, सॉरी, हमारे पास 1 साल का डिफरेंस, पहले एक बार स्क्रीन हटा देते हैं, कहता 1 साल का जो डिफरेंस है वो कितना आया दी? 5324 4840, 484। ठीक है, ये है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है जी, प्रिंसिपल है 484, प्रिंसिपल है 4840 इंटू रेट, टाइम है 1/100। ठीक है जी, 0 से 0 कट गया, तो आर कितना आया जी? 10%, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू दिस? डू दिस क्वेश्चन बाय यूनिटरी, मतलब की बाय डिसिमल सम, 2 + 4 + 9 + 7। तो यहाँ पर मैंने किया, कहता कितना आ गया जी? 15 6 अपना 6 + 9 22, राइट। कितना, एक मिनट, टोटल कर रहा था 22 आया था। देन आफ्टर अब हम क्या करेंगे कि हम इसको क्या करेंगे, इन सब का ए 3, बी बी जो ऑप्शन है उसका टोटल आया 4, सी का ऑप्शन आया कितना आया दी, 5, एंड डी का ऑप्शन है 6। हम सब इसमें ऐड कर दें, 23 + 3 9, 26 आ गया। ठीक है जी, 23 + 7 यस, 28 आ गया यहाँ पर। नो, ओनली द ऑप्शन इज सी, ओनली द ऑप्शन जिसका टोटल अगर मैं 23 में ऐड करूँ, सॉरी, ओनली द ऑप्शन इज बी, 22 आएगा, सॉरी यहाँ पे, सॉरी सॉरी यहाँ पे जो आएगा 22 आएगा, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, 22 लिखना लिखेंगे जी यहाँ पर पहले। ओनली द ऑप्शन इज सी, 22 + 5 में 27, 27 ही जो है वो 3 पे डिविजिबल हो रहा है यहाँ पे, 3 पे डिविजिबल, तो मैं बोल सकता हूँ क्या ऑप्शन क्या आएगा? सी, सी ने हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब जो सी पे डिविजिबल हो रहा है वो बाकी पे तो डिविजिबल हो ही रहा होगा। चलिए जी, नेक्स्ट करते हैं। तो बहुत ही इजी वे से मैंने कर दिया 39th क्वेश्चन। अब मैं बोलूंगा कि जो वॉल्यूम वी है, सरफेस एरिया एस है, तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा कि अगर मेरे पास सरफेस एरिया होता है ए 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, राइट, सरफेस एरिया, तो मैं अगर इसकी बात करूं 1/2s ए बी प्लस बी सी प्लस सी, अगर मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड करूं तो 1/V तो 2/s, राइट, 2/s ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइड बाय ए बी सी,
स्टॉप रिकॉर्ड तो हुआ नहीं ना? ये आ गया ऊपर, इसको थोड़ा आ गया, इससे थोड़ा ज्यादा है आ गया। चलिए तो कर, ये अपने बीच में आया ना, इसकी कटिंग करनी पड़ेगी मेरे को। सर तो ऊपर जाना बाबू, चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। एबीसी से डिवाइड कर देंगे, एबीसी मैंने वॉल्यूम से डिवाइड किया, एबीसी वॉल्यूम से डिवाइड किया एबीसी, राइट। तो एबीसी तो एबी से कट गया, बीसी से बीसी कट गया, सीए से सीए कट गया, तो कितना है दीवाना अपॉन बी, टू अपॉन एस, वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं, ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज ओपन एट द टॉप, इट्स कैपेसिटी 24 मीटर क्यूब एंड लेंथ ब्रेड। तो सबसे पहले तो हम डेप्थ निकालते हैं, जिसको बोलते हैं हाइट, राइट। सो जितनी भी कैपेसिटी है हमारी 24 मीटर क्यूब को, उसको मैं एल इंटू बी से क्या कर लूंगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा डेप्थ क्या आगे 2 मीटर। अब वो कहते हैं जो टैंक है वो ऊपर से ओपन है, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द मटीरियल, उसने लिखा दैट इज ओपन टैंक, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द मटीरियल द टोस्ट ऑफ दिस, ओके। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी, तो हमारे पास क्या होता है, टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एच एल होता है। तो मैंने टू एल बी को नहीं रखा बिकॉज ऊपर से ओपन था, तो मैंने एल बी को साइड पे निकाल लिया, क्योंकि एक एल बी आएगा, एक एल बी ऊपर नहीं आएगा बिकॉज ऊपर था ओपन था, एच बाहर निकाल लिया, एल प्लस बी, राइट। तो इसको टू से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये उसको कहता है पेंटिंग भी करनी है पूरे को, तो टू इन टू, राइट। यहाँ पर एल बी कितना है हमारे पास, अपना 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 थ्री इन टू फोर प्लस टू इन टू टू, एल प्लस बी होगा सेवन, बाय डूइंग सो ये करके कितना आ जाएगा 80। सो पेंट क्या है 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा 10 × 10 कितना आ जाएगा 800, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता द टू, अच्छा टू फोर सिक्स एट, वी हैव इवन नंबर्स मल्टीप्लाई टुगेदर, द नंबर ऑफ द जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी। अब हम सबको पता है कि जीरोस या तो फाइव से आती हैं, टू से आती हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100, राइट। इसमें कितने, सब में एक एक फाइव है, लेकिन जो 50 है और 100 है इसमें दो दो फाइव है, तो कितना आंसर आएगा 12। यहाँ पर आंसर की में इसका आंसर भी गलत दे रखा है, आंसर 12 आएगा। हर एक में एक एक पांच है, बट एक्सेप्ट 50 एंड 100, इसमें भी दो पांच है क्योंकि 25 × 2 है, ये 25 × 4 है, तो 25 25 में दो दो पांच आ रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर मैंने लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, 2x स्क्वायर कितना है 16, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 8, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 2, राइट। तो उसने बोला x और y, तो x क्या होता है 2√2, y क्यों आ गया √2, ठीक है, तो x इंटू वाई कितना आ गया 4, इसका आंसर 12 होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके यहाँ पर मैं बोलूंगा एबीसी तीन पार्टनर है, ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ बी, फोर टाइम्स द कैपिटल ऑफ बी, बी कैपिटल इज फोर टाइम दैट सी 1, ठीक है। ए रेशियो बी कितना आया 3:2, बी रेशियो सी कितना आया 4:1, तो यहाँ पर कितना है 6:4:1, मैं बोल दूंगा 11 हिस्से किसके बराबर है 10। उसने किसका शेयर पूछा, एक पार्ट आ जाएगा जी 51, 450 सी का आएगा, एक ही पार्ट है तो कितना आया 540। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फ्रॉम द सैलरी रिडक्शन, ओके इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे कि यस 90% इनटू 85% 85% इनटू 90%
इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/3, एक्स की वैल्यू क्या आई 1377 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, तीन बार 100 ऊपर आएगा, नीचे 90, देन 85, देन 90 इज इक्वल टू 2000, राइट। सैलरी कितनी आई 2000 बाय सॉल्विंग दिस, ये हमने पहले भी बहुत बार कर रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कर रहे हैं कि 5% ऑफ ए इज इक्वल टू 15% ऑफ बी, यहां पर क्या है जी 10% ऑफ बी इज इक्वल टू 20% ऑफ सी, ए इज इक्वल टू 3b और ए रेशियो बी कितना आया 3:1, बी इज इक्वल टू 2c तो बी रेशियो सी कितना आया 2:1, ए रेशियो बी रेशियो सी राइट कितना आ जाएगा जी 6:2:1, अगर ये 2000 दिए तो उसने टोटल पूछा, सी 2000 दिए जो कि एक हिस्सा है तो टोटल कितना आ गया 18000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि 9 हिस्से हैं। कहता ए बी सी, कहता जो सी है वो बी से ट्वाइस है और जो बी है सी बी से ट्वाइस है और जो बी है वो ए से ट्वाइस है। अगर मैं ए रेशियो बी रेशियो सी पूछूं तो अगर ये 1:2 है तो ये 1:4 हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ कि 7 हिस्से हो गए, 7 लीटर, 5 घंटे में इन्होंने 35 लीटर फिल कर दिया होगा, तो किससे काम करवाना है ए से, तो ए पूरा काम कितने में करेगा 35 लीटर बटा 1 35 आवर्स राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी पेपर है दिए तो, नेक्स्ट राम बॉट 4 dozen 12 रुपए में मीन्स 48 रुपीज लगे। चलिए नेक्स्ट 2 dozen 16 रुपीज में मीन्स 32 रुपीज लगे, कितना आ जी 80 रुपीज, इसको आपने 20% महंगा बेचा मीन्स 16 रुपए महंगा बेचा मीन्स 96 रुपए के हिसाब से बेचा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पर डजन 96 रुपए के हिसाब से बेचा बट 6 पर डजन कितना आया 16 रुपए बेचा। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 48th नंबर क्वेश्चन। कहता मान लीजिए t1 + t2 इज इक्वल टू t, लेट द डिस्टेंस बी x और आपकी फुट की स्पीड, फुट का डिस्टेंस है ये कितना 4 की स्पीड है, और नेक्स्ट क्या था 61 - x / 9 इज इक्वल टू 9 आवर्स, क्लियर है दिए चित। आप इसको बाय ऑप्शन पुट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑप्शन उठाया 16, अगर ये 16 है सॉरी अगर मैं बताऊं डिस्टेंस 16 राइट, दोबारा कर लेते हैं t1 + t2 इज इक्वल टू t, टाइम क्या होता है डिस्टेंस x/4 और यहां पर क्या है दी 61 - x / 9 is equal to t है ये हमारा 9 hours, let the distance हमने उठाया 16 means this 61 - 16 means 9 is equal to 9 right, यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ पर क्या 45, यहाँ पर 45 को 9 से डिवाइड 9, तो मैं बोल सकता हूँ 9 is equal to 9, so which option is suitable for this question is 16। चलिए 49th number question करते हैं अभी। कंडक्टर अंडरटेक टू M1 D1 M2 D2, सबसे पहले कहता एक्स पर्सन है जो कि 9 डेज काम कर रहा है, उसमें से भी 6 चले गए तो कितने दिन काम हो रहा है 15 दिन में, तो जब मैंने कटिंग की 3 3s are 3 5s are, तो यहाँ पर कितना है 3x = 5x - 30, 2x की वैल्यू है 30, x की वैल्यू कितनी है 15। स्पीड ट्रेन 100 मीटर है 10 सेकेंड है राइट, तो स्पीड क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड राइट,
ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। कहता आप डिस्टेंस क्या होता है एस इन टू टी, दो ट्रेन है सेम लेंथ है, अगर एक 100 है तो दूसरी 100 प्लस 100 मीन्स 200 हो गए। स्पीड एक की 10 है दूसरे की लेट कर ली एक्स मीटर पर सेकेंड इन टू 8, ठीक है यहाँ से कितना है 25, एक्स की वैल्यू कितना है 15 पर ये मीटर पर सेकेंड है, इसको हम कन्वर्ट करें किलोमीटर पर आवर में, 18/5 सबको पता है इस बात का, तो कितना आ गया 54 किलोमीटर पर आवर। चलिए तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ऑफिशियल चैनल ऑफ ज्ञानम। सो हियर वी आर फॉर द लास्ट मॉक ऑफ पीएसपीसीएल, दैट इज इन मॉक नंबर 5 इन द जनरल इंग्लिश सेक्शन। सो कमिंग ऑन टू दीस क्वेश्चंस आउट, लेट्स फोकस ओवर हियर व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर देयर एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टफ वी हैव टू डू इट आउट, राइट। सो द फर्स्ट वन कम्स आउट, शी स्टूड डैश द क्राउड क्वाइट अमेज्ड। अभी वो क्राउड में खड़ी हो गई, इनटू होगा नहीं, इट इज कम्स आउट बिफोर मूवमेंट। अमंग भी डेफिनेटली नहीं होगा बिकॉज अमंग इज उनके बीच में, तो आंसर कम्स आउट बी इन, within comes out in the range. When we talk about the other one, if I hadn't come along at that moment, Rahim dashed the one arrested instead of the real thief. अगर मैं वहां ना पहुंचा होता तो रहीम अरेस्ट हो सकता था रियल थीव की जगह पर, could have been arrested. Because might been तो कोई वर्ड नहीं है, may have been लगाऊं तो यहाँ पे past है, तो it should be past again, can be past नहीं है, तो answer comes out to be could have been. Right? So moving on to the further part again, let's focus over there. It says choose the most appropriated phrasal verb out of all these, right? So here it comes out to be unhygienic surroundings dash the health problems. Kya karti hai wo? They give rise to health problems. Bring into being to nahi aayega. Call for ka matlab hota something to be astounded for. Set in ka matlab hota start karna, journey start karna. The answer comes out to be these give rise to. I've known him dash a long time. Obviously, आपको long time दिया है, which is definitely a period of time, or you can say it a span of time. जब भी आप English में span या फिर period की बात करते हैं, तो वहाँ पर आप क्या लगाते हैं? Sir, वहाँ पे लगता है for. So the answer comes out to be definitely as what? For. यानी कि option B. Moving on to the further part as well. Let's focus on to this part too. It says, I'm exhausted. Let's dash is a day. अब when we talk about something like this कि मैं थक गया हूँ, ठीक है, बहुत थक गया हूँ, let's dash a day, तो इसको क्या करना है, आपको दिन को खत्म करना है, that is called let's call it a day. बस अब इसको दिन खत्म करने की बात करते हैं, that comes up like this, ठीक है, these are phrasal verbs directly, it won't affect it out, call it is for a day, right. चले moving on further to the other part as well. It says the farmer may be old but is dash. Now when we talk something like this, the farmer may be this, ठीक है, बट इज डैश, अभी मे बी ओल्ड तो है, ओल्ड इज काइंड ऑफ अ स्टफ, अभी बट लगा रहे तो इट हैज टू बी एन ऑपोजिट वर्ड अगेन कमिंग आउट, अब ऑपोजिट वर्ड की बात करें मोर लेस की बात ही नहीं होगी, इट शुड बी एनर्जेटिक। मूविंग ऑन टू द फर्दर पार्ट एज वेल, द चाइल्ड वॉज सो स्पॉइल्ड, द चाइल्ड वॉज सो स्पॉइल्ड बाय हर इंडल्जेंट पेरेंट्स दैट शी बिकेम डैश व्हेन शी डिड नॉट रिसीव दिस। नाउ सलन इज काइंड ऑफ, जब हम चिड़चिड़ापन नहीं शो करते, बहुत चिड़ गया है ना, चिढ़ गया है पर्सन। इलेट का मतलब होता है खुशी, बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है आप पे। व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्क्रीट, डिस्क्रीट इज काइंड ऑफ केयरफुल, डिस्क्रीट स्टडी मतलब डीप केयरफुल स्टडी, सस्पिशियस यू नो अबाउट इट, यू सस्पेक्ट समथिंग फिशी। सो यहाँ पे चाइल्ड इतना स्पॉइल्ड हो गई थी अपने इंडल्जेंट पेरेंट्स से कि वो बहुत, उसको टेंशन नहीं मिल रही, पेरेंट्स कहीं और इंडल्ज थे, तो आंसर कम जोड़ के चिढ़ गया था। After initial setback, all dash programs were successful due to the initiative of the new dynamic thing, right? अभी यहाँ से आपको पता लगता है कि कुछ आप बात कर रहे हैं यहाँ पर programs की, ये जो programs word है आपके पास, जो भी आपका word program है, ये definitely क्या है? Sir, ये तो एक noun है। अगर program एक noun है, तो noun की quality बढ़ाने वाला क्या होता है? Sir, noun की quality बढ़ाने वाला होता है adjective. अगर नाउन की क्वालिटी बढ़ाने वाला एक एडजेक्टिव होता है, तो इट शुड बी डेफिनेटली सब्सिक्वेंटली और कंसिक्वेंटली नहीं आएंगे। अभी आपके पास बचा है कंसिक्वेंट, एक बचा सब्सिक्वेंट। कंसिक्वेंट का मतलब क्या होता है? समथिंग रिलेटेड टू रिजल्ट्स एंड आउटकम्स, राइट। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा विच इज अबाउट टू स्टार्ट इट आउट। फॉर सपोज व्हेन यू कहते हैं ना कि अभी ये तो आने वाला है, तो प्रोग्राम्स तो आने वाले ही होंगे ना, दैट कम्स आउट बी सब्सिक्वेंट फॉर यू। सो द आंसर इज दिस, राइट। नेक्स्ट, does he resemble dash's father? The moment we talk about the word resemble,
आप जब भी रिजेंबल की बात करेंगे आप इसके साथ कभी भी टू या एज नहीं लगाएंगे, इट शुड बी डायरेक्टली वो नाउन या फिर उसको रिप्लेस करने वाला वॉट प्रोनाउन। तो आंसर वुड बी ही डज ही रिजेंबल हिज फादर। नेक्स्ट, द मॉनिटर टेक्स केयर डैश द क्लास टेक्स केयर ऑफ द क्लास इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर, टीचर की एब्सेंस में, राइट। मूविंग ऑन टू द फर्दर वन एज वेल, फेयर एंड स्क्वायर इज टॉकिंग अबाउट। वेन वी टॉक अबाउट द वर्ड फेयर एंड स्क्वायर, इट इज वेरी सिंपल टर्म। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज फेयर, यानी कि क्लियर। स्क्वायर मतलब फोर साइडेड, एंड ऑल दोज फोर साइडेड आर इक्वल, यानी कि फोर इक्वल साइडेड। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है पर्सन हु इज वेरी ऑनेस्ट एट ऑल, राइट। देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मतलब वन दैट इज नॉट इन गुड टर्म्स, नॉट इन गुड टर्म्स। नो लव लॉस्ट बिटवीन इज कॉल्ड लाइक दिस। मूविंग ऑन टू द फर्दर क्वेश्चन, लेट्स फोकस ऑन टू दैट ऑल्सो, लेट मी जस्ट रेज इट आउट। हियर कम्स द नेक्स्ट वन एज वेल, वॉइस। It says Gagan Narang and Vijay won bronze Olympics medal in the this London Olympics. Now, when we talk about this is past indefinite, we want something related to past. No, had been can be thing, but it is for perfect only. Definitely no. Yes, were can be there and have been again no. The answer comes out to be C. Bronze medals were won by Gagan Narang and Vijay in the London Olympics. Moving on to the next one as well, it states something like this: the principal promised the boys a holiday. अगेन इट कम्स आउट टू बी पास्ट इनडेफिनिट। अगर ये आपके पास पास्ट इनडेफिनिट है तो ये भी अपने साथ क्या लगाएगा, वॉज या फिर वर। तो देखिए ये काट दे, हैड हो सकता है पर ये वॉज वर तो है नहीं, ये रहा वर, आर काटे। आंसर अगेन सी, द बॉयज वर प्रोमिस्ड अ हॉलीडे बाय द प्रिंसिपल, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एज वेल, इट सेज द चेक checker checks the admission take. Now when we talk about checks, it comes out to be what, present indefinite. Agar ye present indefinite hai to ye niche se kya lega, smr, ye dekhi r, okay, b to nahi hoga, will nahi hoga, were nahi hoga. The admission tickets are checked at the gate, is that clear? Moreover at the gate phrase hai to ye aise hi rahega. When we talk about safe, safe aapko pata hai, अब वो पूछ रहे हैं ऑपोजिट बताना है, राइट। इनसिक्योर, सेफ इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू सिक्योर थिंग्स। तो रैश तो होता है कि भी आप ड्राइव रैश कर रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ हार्श, केयरलेस रैश इज विदाउट एनी केयर, राइट। इनसिक्योर कम्स आउट बी ऑपोजिट ऑफ इट, बिकॉज इनसिक्योर का मतलब भी क्या होता है, वन हु इज नॉट एट ऑल सिक्योर। तो सेफ का ऑपोजिट इज इनसिक्योर। बेनिफिशियल इज ऑन द गुड टर्म्स फॉर गुड यूज, है ना। हार्श आपको पता ही है, वन दैट इज नॉट प्लेजेंट एट ऑल। Moving on to the further part, let's focus on to that. A redundant. When we talk about redundant, redundant is something which is no longer used. अभी मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है सर, keep it to your sir. No longer used. We talk about repentant. Repentant is something related to कि भाई मैं इसको पीछे कर रहा हूँ, ये हट रहा है. Surplus is बहुत सारा. Singular का मतलब एक होता है. Single. Required is the answer because आपको opposite बताना है. No longer used का मतलब क्या? No longer. Reused मतलब required ही हुआ, no longer required, तो इसका opposite है something which is required for you. When we talk about this fair, now fair का मतलब क्या होता है? Fair का मतलब होता है कोई भी चीज़ crystal clear. अभी मैंने आपको fair and square में बताया भी था, कोई भी चीज़ crystal clear हो. अगर fair का मतलब clear होता है तो उसका आपको opposite बताना है. Untrue का मतलब होता है something which is not true at all. Coarse का मतलब होता है rough. Unjust का मतलब not justified. So definitely the answer comes out to be this kind of bias. When you talk about the word meticulous, meticulous का मतलब होता है something related to you know accuracy, यानी कि you are very precise. जो है मुंह पे बात करते हैं precise. Interfere is बीच में टांग अड़ाना. Courage का मतलब साहस. Agreement is mutual bond and careful. You know about it. The answer comes out to be definitely careful. Because you have to tell the closest meaning. यानी कि closest मतलब you are talking about synonyms over here. So moving on to the last one as well.
द क्वेश्चन सेज रिसाइंड, इट मीन्स डेफिनेट, कोई भी एक ऐसी चीज जिसको आप खत्म कर रहे हैं, यू वॉन्ट टू कैंसल इट आउट फॉर एवर, पोस्टपोन फॉर एवर, कैंसिल फॉर एवर, चेंज कम्स आउट भी, जो आप चेंज कर रहे हैं, रिवोक का मतलब फिर वही चीज, ऑफिशियली कोई चीज आप कैंसिल कर रहे हैं, रिवोक चल रहा है, ऑफिशियली कैंसिल विद टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट, रिपीट रिकंसिडर आर डेफिनेटली, द आंसर कम्स आउट बी रिवोक. सो दैट वॉज क्वाइट ईजी मॉक टूडे एंड इट सीम्स टू बी लाइक कि आपको ये समझ आ गया होगा. सो प्रोबेबली वी गोना स्टॉप इट आउट. थैंक यू, एंजॉय.